ये हम देखते हैं नॉर्थ कलर का है ना, नॉर्थ कलर के मैथिंग देख लो फिर ताको तो ऑस्ट्रेलिया में रिवीजन कर दो। ऑस्ट्रेलिया मैपिंग के कलर में देख ले रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया मॉडलिंग के लिए स्पेंसर डेविस है किसे कॉल करो। स्पेंसर के पास आओ कौन सी एडिलेड सिटी द कैपिटल ऑफ साउथर्न प्रोविंस द कैपिटल ऑफ साउथर्न प्रोविंस। ऑस्ट्रेलिया वाज डिवाइडेड ऑस्ट्रेलिया को मो अगेन इट टू ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया को जब मो अगेन ड्रॉ तो एनीवे मैंने तो ऑस्ट्रेलिया था लाइक दिस वन अपन अपन बोलते हैं प्रिंस प्रिंस लैंड इधर कौन सा है न्यू साउथ वेल्स सर एक्चुअली ऐसे स्लाइड नहीं लिखे जो भी जैसे ओ हाँ ऐसे लिख के दे हाँ उसे राइट करो इन विक्टोरिया विक्टोरिया प्रोविंस देन हमें देखते हैं तर कैप्टन को मेलबोर्न देन हियर इट वाज तास्मानिया जहाँ कैपिटल था हुबा क्वींसलैंड का क्या आउटकम देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बैरियर रीफ इट वाज अराउंड 1900 किलोमीटर है ना 1900 किलोमीटर ग्रेट बैरियर रीफ सो मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड ऑलरेडी एंड दिस इज बैरियर रीफ व्हाई बिकॉज़ दैट प्रोटेक्टिंग द कोस्ट हियर से द वेव्स आर कमिंग लाइक दिस वेव्स है ना वेव्स आर सच ए वेव्स को प्रोटेक्ट कर सर आगे फ्रॉम द कोस्ट एंड हैविंग सम वाटर चैनल आउट and this region there was a sea we are talking about coral sea and now on the plan coral sea and here it was tasman sea or tasmania tasmania to koi tarah ki tasman sea hai na there in new zealand there the na yes we are talking about new zealand north island south island then they are divided into cook strait capital also here wellington Christchurch are the largest city of England. This is the then New Zealand Alps the New Zealand the Bounty Alps that is the New Zealand Alps the highest peak is Mount Cook. Then we have the Mount Cook and the river is Wanaka. The Lake Wanakaro River fast ever river to the New Zealand the legal status. Then apart from that here it was like Plenty Bay. It is one of Plenty Bay, here it was Opoti Bay. Now some bays we talked about. This would be the bight, New Zealand bight, like this one is Great Australian bight. Great Australian bight. There will be the Great Australian bight. Bight for meaning completely, like bay to make a choda. Bay, what do you remember? Bay. Bay to make a choda. Bay to bite a bunny, first one about bay. आपका इस वक्त मर्दगाल आता है तो भाई इसको सेफ ऑफिसर ना किया थे उन्हें किसी सेफ ऑफिसर जब वी टॉक अबाउट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट बास स्ट्रेट हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट बास स्ट्रेट एंड दिस ईयर आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट दिस ईयर ये सो आस्क्ड वन पर्सन इन द वेस्ट विंड ना वेस्ट विंड ये कौन कोल्ड पोर्शन का है drifting something is like movement, slowly moving, drifting. Like ocean current, when I say current is fast moving water, drifting that is. Ocean current, either you will say the current or you will say stream. Drifting.
ल्याटिट्युड
body is air close to the atmosphere. As this water is close to the atmosphere, about 20 fold. How we know? Now, either A versus A, Tomko Pacha Chi, West Wind Drift, next year they will ask you, hey, West Wind Drift, how many we chose? Of one Indian Ocean. It crosses through Indian Ocean. It crosses through Atlantic Ocean. It crosses through Pacific Ocean. EOG, Dunya, the longest current. That's the Earth. Longest current on all the currents. Ye pura Antarctica, Indian Ocean, Pacific Ocean. Well, pura Antarctica, Chai, surrounding the Antarctica. These are the mic. Where will you go? And how many? As it is,
इतना तो टॉपिक आ गया, तो इन दैट केस एज वेल जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केक दैट्स एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैपेंस जो अपने जीवन थोड़ा वाल ये किया पूरा हमें वेस्टर्न ड्रिफ्ट के क्वेश्चन आता है ईस्टर्न साइड रे वार्म ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न साइड रे कोल्ड ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथर्न साइड रे वेस्ट विंड करंट। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन आई इन ब्लू क्वेश्चन आते हैं ना ये कुछ ये वो होता है वो क्या सुबह ये कुछ ये कुछ तब कुछ तब कुछ तब कुछ एजोर्ड कुछ तब देखो एक वी कुछ तब रासायन कुछ तब देखो हाँ किसी किसी बोले ना जी ऐसे मीन जो नाम कौन बोलते हैं ब्रिक फिल्टर लोकल लिमिट ऑस्ट्रेलिया कौन है ब्रिक फिल्टर ग्रास सिटीज and the mountain called the Great Dividing Ridge, the Great Departure, separation. That's the great trick to remember the mountain top. Awesome. That means Darling हमें साथ में करें. Darling Ridge हमें साथ में cross the range. Mountain के शुरू में हमें साथ रहें. क्या तुमने Darling Ridge कौन सा मैं करेंगे? मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे. Then victory victory. Then वो कोई great separation, great dividing range. तो Darling Ridge का मेरा मतलब मोरे डालिंग नथिंग हमें भी बहुत चलता है मोरे डालिंग भी है रिवर बस रिवर भी निकला माउंटेन से पूरा वेरी गुड वंडरफुल मेरा डाल मतलब मोरे मेरा मतलब मोरे डाल मतलब रिवर खत्म सब बड़ा जो कर देते हैं डाल मतलब ये तो कौन कौन है कंप्लीट ऐसे गोटे क्लास में सिर्फ में सर अपन कॉलेज में सर ने दो दिन है तो भी उत्तर तो मुझे रिवीजन कर दो है ना रिवीजन में इसमें हाँ तो ये थला हमको मैं फॉरेस्ट में कोई ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत पर से क्या है जब भी देखा तो बिल्कुल मैंग्रोव देखा जो बिल्कुल बिकॉज़ दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस इज एपी ऑफ कनेक्शन ऑफ कलेक्टिव दिस पार्ट इज हैविंग एवरग्रीन एंड They will ask if which of the following country does not have mangrove forest like that. Mangrove forest conducts are there, I mean, Janiwa, if the four countries are there, they will take different latitude mangroves are there. Okay, 30 degree latitude. Both equal to 30 degree latitude, 30-35 degree, mangrove is the top. If the Joe country is a mangrove to go to the, if they are having coastal if they are having coastal मैंग्रोव पूछा पड़ी कोई भी मैंग्रोव 30 डिग्री लैटिट्यूड और 30 टू 35 व्हाई 30 टू 35 लाया था कि बिकॉज़ ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन मैंग्रोव बेसिकली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन अगर 30 टू 35 रीजन दे आता ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन हम सत्य में ही देते हैं तो तुम मुझे ये भी क्वेश्चन लिख के दे सकते हो ये सब तो फॉलोइंग कंट्री है ना मैंग्रोव ये भी वो भी जापान जापान में पड़े जापान 35 डिग्री लैटिट्यूड और कौन कौन सी मैंग्रोव देखा जो रशिया देखा जब नॉर्वे देखा जब ऐसा करते हैं ना ये तो इजी नहीं करो तो थिंग्स मस्ट बी इजी तो वो कहते हैं इमेजिन करो आउट ऑफ द बॉक्स मैं तो बिल्कुल न्यू ऐसा न्यू आई मीन
Global warming হচ্ছে temperature 1.5°C mangrove to grow in 40°, 45°C বর্তমান কন্ডিশন অনুযায়ী যদি দেখা গেলে দ্যাট উইল বি ইন্ডিকেটর অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ তো এবি বেশি কানেক্ট করব না কানেক্ট কানেক্ট করি করি তো ইয়ে থেকে পুরা আমি অস্ট্রেলিয়া দেখিলে অস্ট্রেলিয়া ক্যাপিটাল ক্যানবেরা অছি এইটি আমি দেখিলে গোল্ড কোস্ট অছি ইয়ে দেখিলে তোমার কোন এটা কোউ গালফ কইছিলে আমি আকু গালফ অফ কার্পেন্টিয়ার টোরো স্ট্রেট বাস স্ট্রেট অল দিস থিং লেটস সে আমি নেক্সট জিবা নর্থ আমেরিকা ইউ ক্যান সি দ্য নর্থ আমেরিকা ইচ ইয়ার ইউ উইল হ্যাভ সিঙ্গেল কোশ্চেন ফ্রম নর্থ আমেরিকা Each year you will have single question from North America. At last they can do, otherwise if you don't have, don't worry. This is a big screen, you can go through this one as well. So, kemiti padhiba ame North America. First, North America ame kon dekhiba? Jemiti water bodies. Let's say, mu kon karibi water bodies ku dekhiba ame. Water bodies. Water bodies ku bhago karabo. Kemiti? Like, lakes. Lakes kariba. River. रिवर करीबा, ओशन करंट जेम तुम भागो करूँ जी, ओशन करंट डिफिकल्ट हो जी ठीक है लिखिए अपने, but you can write है ना? सर इधर ही ट्रैक होना चाहिए इधर और चीन पेन पर गया होगा। सेम ऐसे हो, करो ना इटा सेटो कंट्रोल हो जी ना, इटा किसी ने एक अल सेंसर ये पतला मोटा किसी फरक पड़े फरक से देखा बंद कर दिया दिखे अच्छा यहाँ देखिए कौन फास्ट लेग्स मतलब वाटर बडीज कौन कौन पढ़ा जाए यहाँ जानवा दरकार लेग्स पढ़ा रिवर पढ़ा ओशन करेन्ट पढ़ा देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पासेस मतलब पैसेजेस जहाँ को आम कहते स्ट्रेट स्ट्रेट्स पढ़ा ओसन जमी लिखाई है बेरिंग स्ट्रेट यहाँ कौन बेरिंग सी रही तुम बेरिंग स्ट्रेट ये लिखाई है बेरिंग स्ट्रेट तो एमती आम वाटर बडी सी भी पढ़ा आम तेल कौन पढ़ा सी पढ़ा लेक पढ़ा रिवर पढ़ा ओसन करेन्ट पढ़ा पैसेज पढ़ा स्ट्रेट पढ़ा ये सब वाटर बडी आसे सारे माउंटेन पढ़ा माउंटेन पिक्स पढ़ा विंड पढ़ा ग्रासलैंड पढ़ा सिटीज पढ़ा डेजर्ट पढ़ा सो मच थिंग्स इज देयर टू लर्न बुझ बहुत सारा जिनस अच्छे नॉर्थ अमेरिका जानापी प्रथम देख नॉर्थ अमेरिका रा सराउंडिंग रीजन मैप को आगे ध्यान से देख नॉर्थ अमेरिका रा सराउंडिंग रीजन नॉर्थ अमेरिका तुम जानते द मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ सब मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट है ना
देखिए वाटर बॉडी रू स्टार्ट करी जमी देखी से देखो प्रथम स्ट्रेट रिनिंग जान ये जो लिखे तुम स्ट्रेट ना स्ट्रेट रिनिंग हूँ गोटे नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडी जमी ये देख तुम दिस वन इज आर्टिक ओशन एंड दिस वन इज आम देखा ठीक अच्छे ताको छाड़ चुचकी सी अच्छी एटी हिची बैरिंग सी एटा गोटे देखा नैरो वाटर टा कनेक्ट करूची तो टू लार्ज वाटर बॉडी कनेक्टेड थ्रू ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर ताको हम कहू स्ट्रेट है ना ये होचे स्ट्रेट स्ट्रेट रो मीनिंग होची गोटे नैरो वाटर चैनल जे दीटा लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करूची फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी ताको होची फ्लोरिडा स्ट्रेट ये होची फ्लोरिडा स्ट्रेट एटा नैरो टा ए लार्ज वाटर तरे नैरो वाटर पैसेज ऑफ वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडी ये टू लार्ज वाटर बॉडी ताको हम कहू छे स्ट्रेट न बुझा पड़ी कोनी स्ट्रेट हे जबो ना तो एबे हम देखिबा ई कोन पूरा पड़ी ठीक अच्छे फटाफट ए देखु अच्छा इरेज कर ओके फाइन तो हमें फास्ट चारिपटे देखी दबा नॉर्थ अमेरिका फास्ट एटी देखो आर्टिक सी है ना आर्टिक सी आर्टिक सी है ना फास्ट हम देखले आर्टिक सी पर हम देखिबा आर्टिक सी रो केतरा पार्ट अछि जा भी हो जेंते एट लिखे छै बी फोर सी ये हो छै आर्टिक सी रो पार्ट बी फोर सी आगे खाली देखो लिखिया दरकार खाली देख बिफोर सी आम कौन करवा आंटी क्लक वाइज जी आंटी क्लक वाइज फास्ट आम देखे आर्टिक सी है ना आर्टिक सी पर आम देखे बिफोर सी गोटे छोटिया पार्ट कौटी अच्छे कानाडार नर्दर्न सैड रही बिफोर सी बुझ बुझ ये आम देखे चुचकीप सी ये अच्छे चुचकीप सी ये भी कहार पार्ट था आर्टिक सी रार्ट देन आम देखा ये किए बेरिंग सी ये कहार पार्ट पैसिफिक ओशन रार्ट ए पैसिफिक ओशन रार्ट बेरिंग सी है ना पैसिफिक ओशन रार्ट तो दैट मीन्स दे आर दिस वन बेरिंग सी एंड चुचकीप सी कनेक्टेड थ्रू बेरिंग स्ट्रेट देख लो ये बहुत थोड़ा पचार एग्जाम बेरिंग स्ट्रेट दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं गेट वे टू आर्टिक सी ये बटे तुम आर्टिक सी को जापर बुझ पड़ सकते तो यहाँ है तुम गेट वे ये किए अच्छे तुम रशिया तो ये किए अच्छे रशिया एपटे अच्छे यूएसए ये अच्छे यूएसए अलास्का तेल तुमको इधर पचार कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ को कनेक्ट करुची ना चुचकीप सी बेरिंग सी सेठी दे थो आर्टिक सी दे थो पैसिफिक ओशन आउ गोटे ऑप्शन रहिथो बेरिंग सी चुचकीप सी बुझी पड़स ना तो तुमको लगे रही चुचकीप सी बेरिंग सी ना एथर पछे दुटा कंट्री किए किए गोटे रशिया गोटे अलास्का कानाडा भावनी क्या अलास्का इज अ पार्ट ऑफ रशिया सॉरी यूएसए ये ताठ कि रशिया ठू कि मतलब दिस वन यूज टू बी पार्ट ऑफ रशिया ताठ से कि बुझी पड़स ना दैट मीन सेठी यूएसए एंड रशिया भितर अच्छी इधर दुटा लैंडमार्क पचार दुटा वाटर पचार बेरिंग बेरिंग सीटा कौन ये कोल्ड वाटर वाटर कौन रोज कोल्ड कारण हायर द लैटिट्यूड कोल्ड टेम्परेचर ये है बेरिंग सी देन आम आंटी क्लक वाइज देन गल्फ ऑफ अलास्का ये अलास्का गल्फ ऑफ अलास्का बुझ पड़ सी देन आम अगेन ये तुम नॉर्थ पैसिफिक ओशन एटा नॉर्थ पैसिफिक ओशन साउथ तले रोज सेंट्रल मिडिल रोज ये सेंट्रल ये रोज कौन सेंट्रल सेंट्रल पैसिफिक ओशन हाँ कि नहीं देन आम देखा कैलिफोर्निया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ना देन ये तुम देखिपर बाकी एक्चुअली मैप्रे बहुत सारा जिनस ना है कौन कह सर इधर बे
एपटे पूरा आटलांटिक ओशन ये सब तार पार्ट ये सब तार पार्ट है ना तो ये पैसिफिक ओशन रो पार्ट तो दैट मींस के टाइम को देखा जीवो गल्फ ऑफ अलास्का देखि परिबो एबे आराम से देन कैलिफोर्निया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आको हमें देखिले नेक्स्ट हमें एमदी बुलीबा हला एंटी क्लॉकवाइज आउचे तले हमें बी फोर सी ये सब हमें देखि के आसले है ना एटी तमरा हवाई ओछि हवाई जोटा कि पूरा सेंट्रल पैसिफिक ओशन अच्छी देन ये देख गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ मेक्सिको द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड वर्ल्ड सब बड़ गल्फ हूँ गल्फ ऑफ मेक्सिको है ना तो ये ऑयल ये कौन पे जाना चाहिए बिकज ऑफ ऑयल ये ऑयल आउ नेचुरल गैस अधिक मिले बुझे से गल्फ ऑफ देखा जाए आठ हरिकेन आसे हरिकेन ना तो शुनी थो बुझे हरिकेन ट्रॉपिकल साइक्लोन ना अमेरिका कौन कहते हैं हरिकेन तो ये तुमको हरिकेन देखा एटी तुमको हरिकेन्स देखा जाए जमी इंडिया रे कौन कहुए ट्रॉपिकल साइक्लोन ये तुमको हरिकेन्स देखा जाए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया स्पेशलिटी कौन ना ये हूँ तुम गोटे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पार्ट बात कह रिफ्ट वैली इधर यू मे से रिफ्ट वैली पार्ट आम कहीपर इट्स ए रिफ्ट वैली पार्ट ये हूँ रिफ्ट वैली पार्ट ये टे मन रख ये गोटे रिफ्ट वैली आपको आम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहा जाए तुमको ये दरकार नहीं बस खाली ये मन रख ये गोटे रिफ्ट वैली पार्ट है ना तो एमती ये रिफ्ट वैली पूरा एमती जाऊँ है ना ये रीजन गोटे रिफ्ट वैली अच्छी देन आसो आम कैरिबियन सी एटी आम देखा कैरिबियन सी कह पार्ट आटलांटिक ओशन पार्ट कैरिबियन सी रे जो कंट्रीज अच्छी कैरिबियन कंट्रीज बट कैरिबियन सी गल्फ ऑफ मेक्सिको कनेक्टेड थ्रू युकाटांग चैनल थ्रू युकाटांग चैनल ये देख लिखा युकाटांग चैनल है ना तो ये से गोटे गेटवे मतलब जदि तुम्हें आसो ये बटे देखिए ही आस पड़ गेटवे मतलब गोटे पैसेज नारो पैसेज देखिए तुमको जवाब पड़ो आउ गोटे जगह को ओपेन मतलब ओपनिंग हम तुम ये आसो कमी ये बटे ही तो आसो ना आ तो बाट नहीं तो सेटा कौन गेटवे हिसाब से कहें सिंपल स्ट्रेट मानने चैनल तुमको सर स्ट्रेट कौन चैनल कौन है ना चैनल टाइम वाइड था स्ट्रेट टाइम नारो थाए जमी ये देखे स्ट्रेट ये के नारो पूरा नारो ये टी लिटिल बिट वाइडर अच्छे से चैनल कह जाए तो डिफरेन्स बिटवीन चैनल एंड स्ट्रेट हूँ लिटिल बिट वाइडर टी नारो बट बोथ आर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी तो ये युकाटांग ना ये अच्छी युकाटांग पेनिनसुला ये बहुत इंपोर्टेंट बर्तमान न्यूज़ अच्छे युकाटांग पेनिनसुला न्यूज़ रे कौन पे बिकज हियर इज लाइक एंसिएंट कह एंसिएंट टाइम जी एक्सकावेशन चलती खोला कम चलिए गोटे सिविलाइजेशन थी से सिविलाइजेशन नाटा मोर मन पड़ूनी कि सिविलाइजेशन गोटे कहते चलिए डीप फॉरेस्ट से रोते दे वेर कंटेम्पोरा टू कह आमर जिते थर्ड सेंचुरी कि फोर्थ सेंचुरी हम से टाइम कंटेम्पोरारी मैंने आम जिते ग्लोरीयस टाइम क्या कहा जाए ग्लोरीयस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री गुप्तास टाइम को कि बिलीव करा देवर कंटेम्पोरारी टू द गुप्तास मैंने ये रोते है ना ये गोटे सिविलाइजेशन थी जोटा खत्म हो जाती ये न्यूज अच्छी युकाटांग पेनिनसुला ये युकाटांग पेनिनसुला कहाँटार आसूस मेक्सिको ये देखिपर मेक्सिको ये मेक्सिकोर पार्ट ये गोटे बुझिपारे मैंने इधर देवले आस्क यू द युकाटन पेनिनसुला कोठी अछि किबा युकाटन चैनल बुझा पड़ी बे क्वेश्चन तो को पछरो के युकाटन चैनल खाकू खाकू कनेक्ट करू छी बा युकाटन पेनिनसुला कोठी अछि गल्फ ऑफ मेक्सिको कोठी अछि गल्फ ऑफ मेक्सिको को क्रिए के टच करू छी नॉर्थ अमेरिका एंड मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका दीटा कंट्री दैट मींस यूएसए ये पटर रहला तोर यूएसए ये पटर रहला मेक्सिको दे आर टचिंग सराउंडिंग देख मेक्सिको बॉर्डर शेयर करुच यूएसए बॉर्डर शेयर करुच गल्फ ऑफ मेक्सिको चारिपटे घेरिकी रही क्वेश्चन पचार कौन जना जाए ऑयल नेचुरल गैस जना जाए
ଏଇଟା ବି ଆମେ କହିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ହୁଏ, ମେକ୍ସିକୋରୁ ଲୋକ ଏମିତି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ବୋଟ୍ ନେଇକି ଆମେରିକାକୁ ପଳାନ୍ତି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ, ତା ଦେହରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଆନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଏ ରିଜନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଦେନ୍ ହିୟର୍ ବୁଡ୍ ବି, ତାପରେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା, ୱାଟର୍ ବଡି ଦେଖିବା, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ, ଫ୍ଲୋରିଡା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରିଡା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଫ୍ଲୋରିଡା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା। ଏ ଫ୍ଲୋରିଡା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାହାକୁ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏପଟେ କହିବା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍, ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍, ସାଉଥ୍ ନୁହଁ, ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍, ସାଉଥ୍ଟା ତଳେ ହେଲା ନା। ସେଇ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଖାଲି ଦେଖିକି ମାରିଦେବନି, ନର୍ଥ କି ସାଉଥ୍ ଦେଖିବ, ବୁଝିବ, ପୁରା ଟିକନିକ୍ ପଢ଼ିବ ଅପସନ୍କୁ ହେଲା। ଏଇଟା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ସେ କରେଣ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ, ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ ନା, ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ, ଏଠି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଫ୍ଲୋରିଡା ଫ୍ଲୋରିଡା କରେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଟର୍ ବଡି ଆମେ ଖାଲି ୱାଟର୍ ଦେଖୁଛେ, ଖାଲି ୱାଟର୍ ଏମିତି ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ, ନହେଲେ ଫ୍ଲୋରିଡା ପଢ଼ୁଥିବି ମୁଁ ତାପରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଗେ ୱାଟର୍ 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 ପୁରା ଖତମ ହେବ ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବ ଫ୍ଲୋରିଡା। ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଲେ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ସର୍ଗାସୋ ସି, ଡବଲ୍ ଏସ୍ ଓ, ସର୍ଗାସୋ ସି, ସର୍ଗାସୋ, ଏସ୍ ଏ ଆର୍ ଜି ଓ ଡବଲ୍ ଏସ୍ ଓ, ସର୍ଗାସୋ ଜି ଏ, ସର୍ଗାସୋ ସି, ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଗାସୋ ସି କ'ଣ, ଆକୁ କହନ୍ତି ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ସର୍ଗାସୋ ସି, ସି ୱିଦିନ୍ ସି। ବିନୀତ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଟଲାସ୍ଟା ଅଛି, ଆଣିବ ଟିକେ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ସର୍ଗାସୋ ସି, ସର୍ଗାସୋ ସିକୁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ପଚାରେ ହେଲା, ଏ ସର୍ଗାସୋ ସି କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି ଆସ ତମେ ହେଲା। ସର୍ଗାସୋ ସି କ'ଣ ନା, ସର୍ଗାସୋ ସି ଏଇଟା ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ, ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ସର୍ଗାସୋ ସି ହେଲା ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ବୁଝେଇବି ମୁଁ, ଲେଖିଦେଇଥାଉ ଖାଲି, ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ସି ୱିଦିନ୍ ସି କହିଲେ ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ତାର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍ଟ ଥିବ, ଯେମିତି ତମେ ଦେଖ ଆର କେମିତି ଗୋଟେ ବକେଟ୍ ନବ, ବକେଟ୍ ବାଲ୍ଟି, ତାକୁ ପାଣି ରଖିକି ବୁଲେଇବ ଏମିତି ହାତରେ, ତା ପାଣିଟା କ'ଣ ହବ, ମଝିଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଇଯିବ, ଚାରିପଟେ ପାଣିଟା ବୁଲୁଥିବ, ଏହା ତ ହୁଏ ନା। ସେଥିରେ କିଛି ଥର୍ମୋକୁଲ୍ ପକେଇ ଦିଅ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଭାସୁଥିବ, ଦେଖ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, ପାଣି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବ, ସେ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଇଫେକ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ କହୁ। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ସର୍କୁଲେସନ୍, ସର୍କୁଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ହଁ, ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଲିକି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ସର୍ଗାସୋ ସି। ଦେଖିବି ଏଠି ଦେଖିଦେବ, ହଁ, ସର୍ଗାସୋ ସିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସି ୱିଦିନ୍ ସି। ତମକ ସି ୱିଦିନ୍ ସି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାଟର୍ ବଡି, ସର୍ଗାସୋ ସି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାଟର୍ ବଡି। ସେ ତମକୁ ପଚାରୁ ସର୍ଗାସୋ ସି ଓନ୍ଲି ପାସିଫିକ୍ରେ ଦେଖାଯିବ, ଓନ୍ଲି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍, ସବୁଥିରେ ଦେଖାଯିବ, ପାସିଫିକ୍ରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ରେ ଦେଖାଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ରେ ବି ଦେଖାଯିବ, ବଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଗାସୋ ସି ଇଜ୍ ଅଧିକ ପାସିଫିକ୍ ଓସନ୍ରେ। ନହେଲେ ସର୍ଗାସୋ ସିଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ବଡିଟା, ମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ସି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏରିଆଟା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ ତ, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆଟା ଗୋଟେ, ଭାବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓସନ୍, ତାର ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସର୍ଗାସୋ ସି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସି ୱିଦିନ୍ ସି, ତାହେଲେ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି କିଏ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବକେଟ୍ରେ ପାଣି ରଖି ହାତରେ ବୁଲେଇଲେ କରେଣ୍ଟ, ତା ଚାରିପଟେ କ'ଣ ବୁଲିବ, କରେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସର୍ଗାସୋ ସି ଚାରିପଟେ କିଏ ରହିବ, ଓସନ୍ କରେଣ୍ଟ, ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ଦାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଓସନ୍ କରେଣ୍ଟ, ଆ ଚାରିପଟେ ଓସନ୍ କରେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ କହିବା, ଯେମିତି ବୁଲନ୍ତି ହେଲା, ତ ୱାଲ୍ ତାକୁ ଯାହାକୁ ୱିଲ୍ କହୁଛ ହେଲା, ତ ଇଏ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ, ଏ ମଝିଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାଟର୍ ଥିବ, ଚାରିପଟେ କରେଣ୍ଟ ବୁଲୁଥିବ, ସୋ ଦାଟ୍ ଯେତେ ବି ତମର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଯେତେ ଆମର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ହିୟର୍। ତେଣୁ ଓସନ୍ରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଛେ ଜିନିଷ, ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଯାଇକି ସେଇ ସର୍ଗାସୋ ସିରେ,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ହିପ୍ ପୁରା ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟର ହିପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଦା କହନ୍ତି ନା ଓସନରେ ଭାସୁଛି, ତ ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି କୋଷ୍ଟରୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ଓସନ ରଖୁଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲେ ପୁଣି କୋଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖୁନ ସାଇକ୍ଲୋନ ପରେ କେତେ ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ସେ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ପୁଣି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ଆଗେନ୍ ପେଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅସ୍। ତ ଇଏ ସାର୍ଗାସୋସି, ତ ସାର୍ଗାସୋସି ଓସନ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାର୍ଗାସୋସି ବଢି ବଢି ଯିବ। ଆଜ୍ ଦ ପାସିଫିକ୍ ଓସନ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଦ ମୋର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାର୍ଗାସୋସି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର ଓସନ। ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଏବେ, ହଁ ନା? ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସି ୱିଦିନ୍ ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ବର୍ଡର। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନର ବର୍ଡର ଅଛି, ତାର ବର୍ଡର ଅଛି କି? ସେ ତ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଡର ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଡରଲେସ୍ ସି। ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଡରଲେସ୍ ସି। ଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାଟର, ଆ ଚାରିପଟେ କରେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛି, ଏଠି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରହିଲେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପୁରା। ତ ସେଠି ଟକ୍ସିଟ ଯେତେ କେମିକାଲ, ଯେତେ ଟକ୍ସିଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ, ବାହାରିବ କେମିକାଲ ସବୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଫିସ୍ ତ ମରିଯିବ। ସବୁଥିରେ ଦେଖାଯିବ କହିଲି ବା, ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓସନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ଦେଖାଯିବ, ସେଠି ଦେଖାଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ ବଟ୍ ନମ୍ ହଁ ତାର ସେ ତ ହଁ ସେ ତ ଓସନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆଟା, ତ ଗୋଟେ ତା ଚାରିପଟେ ଓସନ କରେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛି, ତ ତାର ବର୍ଡର କୁଆଡୁ ଆସିବ? ତ ଇଟ୍ସ ଏ ୱାଟ ବର୍ଡର ଲେସ୍ ସି। ନା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଇଟ୍ସ ଏ ବର୍ଡର ଲେସ୍ ସି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବର୍ଡର, ୱାଟର ଷ୍ଟାଟିକ୍, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦେୟାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରଖାଯିବ, ସେଥିରୁ ଟକ୍ସିସିଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ, କେମିକାଲ୍ସ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଫିସେସ୍ ସବୁ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଜୋନ୍? ନାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଡେଡ୍ ଜୋନ୍, ଏଥିପାଇଁ କହିବା କି ତାର ମତଲବ ଫିସ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ମିଳିବନି, ତ ସେ ଜୋନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓସନରେ ବି ଡେଡ୍ ଜୋନ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଜର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓସନ। ଜାଣିଛ, ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଅଜ୍ ଦ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଜର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓସନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ଫର୍ଟାଇଲ୍ ରିଜନ୍, ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମାନଙ୍କୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଜର୍ଟ କହିଲେ। ଯଦି ସେଇ ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ବଢି ବଢି ଗଲା, ତାହେଲେ ତମର ଓଭରଅଲ୍ ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଫିସର ମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ କମିଯିବ। ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଓସନକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେମାନେ ପୋଭର୍ଟି ବଢ଼ିଲେ ତମର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ ହବ କି? ହବନି ନା? ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଛି ଟପିକ୍କୁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ତା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ July 1 ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ହେ ନା? ଏବେ କେମିତି ଲିଙ୍କ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପଢ଼ିବାର ତରିକା କ'ଣ, ଏମିତି ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନେଇକି ତମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଇଏ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମେ ସାର୍ଗାସୋସିଏଟ୍ରେ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେନି, ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍। ସେଟା ସେ କରେଣ୍ଟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ, ଓଭିଅସ୍ଲି ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କି ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାଟର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି, ସେ ତ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା, ତ ତମର ଫୁଏଲ୍ କନଜପ୍ସନ୍ କମିଯିବ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ମୁଭିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। କେତେଟା ହେଉଛି, ଆରେ 17 ଯୋଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ନାହିଁ, SDG 17ଟା 20 ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବ। ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଗୋଲ୍, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମତଲବ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାରନେସ୍ କରିବା, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ହାର୍ମିଂ ଦାଟ ୱାନ୍। ସର୍ଗାସୋସି ୱାଟରରେ ଆସିବ, ଆରେ ସେଇଥିରେ ମେନସନ୍ ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ସର୍ଗାସୋସି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଜାଣି, କି ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉଠି ଥିବ, ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଥିବ, ସେଠି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ତମେ? ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖା ହେଇନି କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ନମ୍ବର 15 ସର୍ଗାସୋସି, ସେମିତି ଲେଖା ହେବନି। ସେଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ, ତ ଇଏ ଏଇଠି ଆସିବ। ୱାଟର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ଯୋଉଠି ଥିବ ଏଇଠି ସର୍ଗାସୋସି ନେଇକି ସେଇଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବ। ନା ବୁଝିପାରୁନ, ନା ନା? ତ ଇଏ ହେଲା ସର୍ଗାସୋସି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ, ଲାବ୍ରାଡୋର ସି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲାବ୍ରାଡୋର ସି। ଦେଖ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ଡେନମାର୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ହଁ। ତ ତାର ସଦର୍ନ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବ, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ହାଭିଂ ଲାବ୍ରାଡୋର ସି। ଲାବ୍ରାଡୋର ସି କହିଲେ କୋଲ୍ଡ, କାରଣ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଯିବା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଯିବ, ଲାବ୍ରାଡୋର ସି। ଯାହା ବି ହଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଏଇଟା ହଡ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଡ୍ସନ୍, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ହଡ୍ସନ୍। ସରି, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଲରେନ୍ସ, ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ।
हॉडसन डबल सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस ये हूँ गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, कारण ये सेंट लॉरेंस रिवर जाऊँगी जो रिवर टा जाऊँगी सेंट लॉरेंस रिवर सी जाएगी से फॉल करूँगी तो दैट इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है ना, ये टेक मन रख गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ठीक अच्छे ये लिखा है लिखी दे तो मैप जो स्ट्रेट के गल्फ स्ट्रेट बहुत सारा स्ट्रेट थी पड़े लेट से तुम कह सर ये स्ट्रेट ये पर्टिकुलर जगहटा यहाँ स्ट्रेट हम ना यही जगहटा ही स्ट्रेट हम तुम बुझ पार्थ ना तो सेमती हजार स्ट्रेट एमती एत छोटिया स्ट्रेट आम पढ़ू जो स्ट्रेट रिग्निफिकान्स थाए जमी ये सिग्निफिकान्स स्ट्रेट कहीं ये पूरा लार्ज व्वाटर बडी ये पूरा सिग्निफिकेंट जमी छोट छोट बहुत सारा स्ट्रेट अच्छी सेमती पढ़ी हेनी तो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट आम देखा जैसे ये तुमको लिखाई फर एक्जाम्पल ये लिखाई देख तुम कौन सेंट पायरे मिकालोन फ्रांस अंडर आसार तुम कौन कहली मु गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस रे को रिवर आसुची सेंट लॉरेंस रिवर से फॉल करूची सेतिनी ताना सेंट लॉरेंस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये हला तमरो न्यूफाउंडलैंड है ना ये पचारे तो न्यूफाउंडलैंड आइलैंड टा अछि है ना एठी कोन देखा जाय ग्रैंड बैंक एक्चुअली कोन हुए एठी होची ग्रैंड बैंक मन रखिबो बी ए एन के ग्रैंड बैंक तो कहो एटा कोन ए न्यू फाउंडलैंड जोठी देखु छो ठीक ए पर्टिकुलर जगह रे होची ग्रैंड बैंक हला एठे नाही मैप रे देखा जाउनी इतरे बे नाही इतरे बे नाही जोटा नाही नाही की तमे अटलास जितरो आउछो मु कोई सेठी लेखिबो अटलास रे सब जिन सब मिले ने अटलास रे तो एठे ग्रैंड बैंक अछि ए पर्टिकुलर जगह रे ग्रैंड बैंक ग्रैंड बैंक होची वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड बुझ पड़ता नहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड होची ग्रैंड बैंक एटा मन रखिबो ये कहा एठी को तमको पचारो ग्रैंड बैंक कोठी होची तले ये कोठी होची ना नॉर्थ अमेरिका रे हम देखिबा बुझ पड़ता नहीं तो एई वर्ष गोटे क्वेश्चन पचारतला ए अवसर रे कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना क्वेश्चन आस्तला ना कॉन्टिनेंटल सेल्फ उपरे ओ एठू क्वेश्चन आस्तला वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड माने जोठे अधिक माछ मिलौचे ना मु तमको आउट टिके पूर्व वेस्ट विंड ड्रिफ्ट रे कहितली कि कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मीटिंग हेले so this is the region here cold current is coming like this warm current is moving and this is the meeting zone tale proof hoigal out e purbur kahithili hana so here is tale two current gote warm gote cold hoba darkar tale warm kie north atlantic current e north atlantic current talu jetra jo warm water upar asle cold water kahithili tale epar asle labrador cold current ethi hoci tamaro labrador cold current bujh parcho nahi to dui ta meeting hoba tara new found that is sorry ग्रैंड बैंक फॉर्मेशन होची वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ना ये क्वेश्चन पचारे अच्छा कॉन्टिनेंटल सेल्फ कथा पचारा ना ये सोरे ये क्वेश्चन एठू आसे डायरेक्ट कारण दिस रीजन इज हैविंग वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ सेल्फ अर्थ कौन जमीक आम कह सेल्फ यहाँ गोटे सेल्फ या सेल्फ कहले कौन गोटे फ्लाट बेस गोटे बेस्ट आम कह जहाँ जिनस रखुचे तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहले कह कॉन्टिनेंट पानी भितर के बुझा पड़ो नहीं ये एमती ना कि पूरा एमती खाई पूरा सीधा एमती खाई तो ना तो पूरी पाखे एमती सीधा खाई अच्छे कि ग्राजुआली मूव करी 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 जाएगी तो से ग्राजुआल मूवटा जो ग्राजुआल स्लोपटा हूँ कॉन्टिनेंटल सेल्फ एस एच ई एल एफ ना बुझा पड़ोनि कॉन्टिनेंटल सेल्फ तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ केमी जान कौटी लार्ज कौटी स्मल तो ओबियसली तापे तुमको बहुत जिन पढ़ाई पड़ो मत मुझे भी पढ़ी पारे से गोटे सर्ट ट्रिक दूसरी कमी मन रख कौटी कॉन्टिनेंटल सेल्फ कमी ये व्हाइट कलर देखिए व्हाइट कलर व्हाइट कलर देखा ना जो देखो ये व्हाइट कलर अधिक तार कॉन्टिनेंटल सेल्फ अधिक है देख एपटे ना कम नैरो नैरो हियर इज नैरो 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 है कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहली बा जो व्हाइट कलर देखा जाए और जिते कॉन्टिनेंटल सेल्फ व्हाइट हम से फिशिंग भल हम कारण फिशटा सैलो व्वाटर हुए डीप व्वाटर हुए डीप व्वाटर खाया मिलेन फोटोसिंथेसिस हेनी फाइटोप्लांटन्स आसवनी बुझा पड़ो ना बुझा पड़ोनि तेणु करके ना बुझा पड़ोनि सेल्फ कहले कौन जमी भाव तुम पूरी
पुरी पाखरु बीच रु तळको जाउछ ओशन रे चली चली जस्ट इमेजिन कर यू आर ए सुपरमैन है ना तो वाटर रे चली चली जाउछ धीरे धीरे तो डेप्थ कमिबो ना एमते ने कि पूरा एमते खाई थिबो एमते तो नथिबो से जे ग्रेजुअली डेप्थ कमुची सेई जो ग्रेजुअल स्लोप टाको आमे कहो जे कॉन्टिनेंटल सेल्फ बुझि पड़छ नै तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहार जेते वाइड हबो से कंट्री सेते प्रॉस्परस हबो कहाँ पाई अधिक फिशिंग अधिक मिनरल्स अधिक नेचुरल गैस अधिक ऑयल सब मिले कारण एटी जिते बड़े तुम फिश गुड़ा मर कि ना तार लाइफ सैकल अच्छी मरापर से नेचुरल गैस ऑयल रे कन्वर्ट हो तार केमिकल पार्टा फिश रेमिकल पार्टा कौन कन्वर्ट हो गैस एंड ऑयल रे आउ तार फिजिकल पार्टा कहले जो बोन फोर से कौन लाइम स्टोन कन्वर्ट हो रॉक रे दीटा जाक आम यूज आसवानी नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करवानी ऑयल को नवानी ताले कौन है आम बाहर ताले जेते कॉन्टिनेंटल सेल्फ चौड़ा हो सेते बेनिफिट हम पाई ना बुझा पड़ी नहीं बुझा पड़ी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केमिति जानिबो ये व्हाइट कलर को देखिकी शॉर्ट ट्रिक रे मु कहूँ एबे मु पढ़े पारे नहीं ए पर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा पड़ो ना ताप बुझ पड़ो ना तो बुझी पारे शॉर्ट ट्रिक केमिति ताकु देखिले तुम जानि पारिबो ताले एबे बुझ न्यूफाउंडलैंड पाखरे की अछि ग्रैंड बैंक कहली आ ये तुम कॉन्टिनेंटल सेल्फ जानि पारिबो द कॉन्टिनेंटल सेल्फ जोठी व्हाइट कलर कम देखिबो जानिबो ताले एठी देखो केते बड़ो कॉन्टिनेंटल सेल्फ बुझे तो जैसे से रशिया पाखे नेचुरल गैस एंड ऑयल सब अधिक जान बहुत अधिक बिकज देख के व्हाइट एरिया व्हाइट एरिया बुझी पार्स तो है ना कमी लिंक करुचे देन आसा लैबोरेटरी सी लैबोरेटरी सी कोल्ड करंट ये अच्छे बैफिन बे लैबोरेटर मझे किए अच्छे डैवी स्ट्रेट वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्ट्रेट है ना ये हजार थर पचार आज जाए दुनिया में एमती कौन से क्वेश्चन ना एक्जाम जो थे डैवी स्ट्रेट पचारे केबे ना केबे पचारथो मतलब यूपीएससी तो केते थरो पचाछि ये आउ ये फेमस स्ट्रेट एंड ए तीनटा फेमस स्ट्रेट पूरा नॉर्थ अमेरिका चारिपटे ये रहला के फ्लोरिडा धेर डैविस एला बेरिंग स्ट्रेट ए तीनटा बहुत ही फेमस स्ट्रेट पूरा नॉर्थ अमेरिका तीन पटे बुझ दे जादो इंपोर्टेंट स्ट्रेट डैविस स्ट्रेट कहा नाम अनुसार है डैविस को नाम अनुसार तुमको सर डैविस ताले गोटे बहुत बढ़िया लोक भल लोक होल्सो द मॉडर्न डे ज्योग्राफर है ना मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिनर्ड ज्योग्राफर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड से गोटे यूनिक लोक थे अमेरिका डैविस गोटे अच्छे डैविस थ्योरी पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी आम डैविस साइकल पढ़ू साइकल ऑफ लैंड तो ये डैविस हूँ जड़े मानते फिजिकल ज्योग्राफर जे ओनली लैंड उपर टॉक करे तो यहाँ तुम बुझा पड़े कि फिजिकल ज्योग्राफर किए ह्यूमन ज्योग्राफर किए जहाँ भी बस खाली ये मन को बहुत भल लोकटा था ना रही बस ये मन को एंड दैट पर्सन वाज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका बुझ पड़ते डैवी स्ट्रेट ताले काको काको कनेक्ट करूची बैफिन बे एंड लैबोरेटर है ना ताले एठी कोन करंट अछि लैबोरेटर कोल्ड करंट आ गोटे जिंस एठी ऐड कर दियो लैबोरेटर कोल्ड करंट है ना आ गोटे जिंस ऐड करबा हम कोन लैबोरेटर कोल्ड करंट है ना एठी कोन देखा जइबो ताले तमको सर लैबोरेटर कोल्ड करंट खास होत मिसुची गल्फ स्ट्रीम एठी देखा जइबो कोन GULF गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम माने गल्फ स्ट्रीम एमिती जाउछ है ना हियर वुड बी गल्फ स्ट्रीम ए देखि एठी मीट करिवो ताले लैबोरेटर कोल्ड करंट ऊपर आसला एफट गला गल्फ स्ट्रीम दिस जणा मीट कले कोठी न्यूफाउंडलैंड पखरे बा ग्रैंड बैंक ता आउ ठीक आको गले एठी देखा छौ ड्रिफ्ट ताले को ड्रिफ्ट माने ए जो गल्फ स्ट्रीम ता आगो को जाई कि ड्रिफ्ट हे जबो बुझि पड़छ नै आगो को जाई कि एठी कोन जो फ्लोरिडा करंट एठीला करंट एठी देखा जो एठी कोन देखा सॉरी Here would be current. Current देखा जीवो. Here would be stream. Same water out के आपको कोले drift है जीवो. Here would be drift. Same water out के आपको कोले Norwegian warm current. Norway रे जाएगी पहुंच जीवो. M ते कोले ऊपर एठी Norway थीवो. हाँ कि नहीं? से देखे Norwegian warm current तक को पहुंच जीवो. ना बुझा पड़ी बनी? गोटे बस डिफरेंट जगह डिफरेंट नहीं फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट तापर नॉर्वेजियन वार्म करंट ताकू आटलांटिक पूरा यूरोप मैपिंग करेंगे से तुमको यहाँ पुणी आर्ट कर कहि तो ये गला पूरा ओशन करंट एपटे आम देखीदे एपटे पूरा ओशन करंट ना ये भी गोटे करंट देखा जाए कौन आपको कह जाए एंटलीज करंट एंटलीज करंट से मन रख एंटलीज वार्म करंट क्या लैटिट्यूड रे तले अच्छे आम एंटलीज ए एन टी आई एल आई ई एस एंटलीज वार्म करंट है ना एंटलीज जमती हियर यू कैन सी
लो लैटिट्यूड वार्म करंट होगा नहीं। हियर यू कैन सी एट लिखे ना कैरिबियन सी, कैरिबियन सी गोरो एट यूकेटन चैनल सो दैट यू कैन एंटर इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको रु जदि अटलांटिक ओशन को जीव थ्रू द फ्लोरिडा स्ट्रेट, एठी लिखा है देखो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है ना। ठीक अछि एटा एई जो एरिया था एठा ला एंटलीज, एठी लिखा है ना एंटलीज विंडवर्ड, ये जो रीजन टाको कहा जाए एंटलीज लेजर एंटलीज अछि। एठी ग्रुप ऑफ आइलैंड अछि सेन को कहा जाए एंटलीज। ये जो आइलैंड अछि मन को कहा जाए कैरिबियन आइलैंड, ए मन को कहा जाए एंटलीज ग्रुप। तो एठी जो करंट देखा जाए सेठी कहा जाए एंटलीज करंट, वार्म करंट बुझबो ना। तो तुमको देखिया पड़ो है ना। ठीक अच्छे तो ये देखा जो एंटलीज वार्म करंट, एटा कौन रहा तुम एंटलीज वार्म करंट डन ये रहा तुम आर्किपेलाग बुझ पड़ता ना। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड बहुत सारा थी आर्किपेलाग कह तो यहाँ तुम ये आर्किपेलाग भी कहीपर तुम आपको एंटलीज आर्किपेलाग बुझ पड़ सकना। तो यहाँ तुम एंटलीज आसीगला एपटे आम पूरा करंट देखीदे है ना। ये आम देखे गल्फ स्ट्रीम, ये तुम गल्फ स्ट्रीम होगा फ्लोरिडा करंट है ड्रिफ्ट होगा एपटे किए आस लैब्राडोर कोल्ड करंट होगा। देन ये आम देखे कौन गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस वन इज व्हाट गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। आउ किछ हम देखिबा एबे पूरा डिटेल रे देखि देबो ताकि किछ मिस न हो। Here you can see New York, Philadelphia, Washington, ये सब अच्छे ना। Chesapeake Bay, ये जो Washington नहीं, ये जो छोटिया area है, ये जो water, these are the what? Water body? अगर वो जो Chesapeake Bay, Chesapeake Bay. Now Washington को उठे हुए थे Chesapeake Bay रे। हाँ ठीक अच्छे Chesapeake एटा सी एच मुसी एस ए लिखी सी एच Chesapeake Bay है ना। Chesapeake Bay यहाँ पचारि ओपीएससी शायद लास्ट टू लास्ट इयर पचार Chesapeake Bay बुझ पड़ता ना। न्यूयॉर्क पाखे अच्छे तुम जो Chesapeake Bay देन आस बे ऑफ फंडी यहाँ जो नाई यहाँ अच्छे यहाँ हूँ बोस्टन, ये हूँ बोस्टन बे ऑफ फंडी एफ यू एन DY बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी तो एटा फंडी बे एटा Chesapeake Bay तापर रहला तमरो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। छोट छोट जिंस हो ठीक है डिफिकल्ट लागबो इनिशियली बट यू हैव टू रिवाइज करिया पडो कना थरे पढ भल से पढो एमपी आज सपोज मु एति पढै देतनी मु रखि देतनी Chesapeake Bay क्वेश्चन आथना पण तमु लागि तंत आउ थरे पढि तंत। तो थरे पढ पूरा डिटेल रे पढि दे ताकि चांसेस कम रहइबो मिस होवारो बुझ पडतो नै। तो Chesapeake Bay हमें इटी देखिले हियर हमें देखिले कोन बे ऑफ फंडी ऊपर देखिले हमरो सेंट लॉरेंस इटी हम देखिले लैब्राडोर सी डैविस स्ट्रेट इटी कोन देखा जो कोल्ड करंट लैब्राडोर कोल्ड करंट आ इटा रहला तमरो कोन कहली ग्रैंड बैंक कथा कहि दै छी तारो भी खत्म ए पटे पूरा पूरा हमें पेरी फेरी देखु छै। अच्छा ये कैलिफोर्निया कोल्ड करंट हमें देखि देले इटी देखा जो अलास्का वार्म करंट इटी गोटे करंट अछि अलास्कन वार्म करंट हैला इटी अलास्कन वार्म करंट अछि। ठीक अछि एठी तुम्हारा बेरिंग स्ट्रेट है ना तो ये जगह तुमको अलास्का वार्म करंट एठी तुमको कोल्ड करंट देखा जो ये पर्टिकुलर रीजन रे एठी भी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अच्छी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आल्सो ये जगह भी अच्छी है ना ये पर्टिकुलर जगह भी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अच्छी हैला सेटा को हमरो बा तुम्हे कहि परबो नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट भी कहि परबो किसी असु सेटे देखा बाकी वयासियो अच्छे क्रोशियो अच्छे से तुमको जिते जापान पढ़े से करी है ना। खत्म होगा ये तुम सराउंडिंग रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूरा डिटेल डिस्कस करते टी देखे एक मिनट।
এটি হচ্ছে স্ট্রেট অফ জোয়ান্ডি ফুকা, এই পার্টিকুলার রিজন হচ্ছে গোটে জোয়ান্ডি ফুকা। জোয়ান্ডি ফুকা একচুয়ালি জোয়ান্ডি ফুকা কহিলে গোটে স্ট্রেটটা, মানে এটি এই ভিতরে বহুত সারা ছোট ছোট ওয়াটার বডি আছে না, ছোট ছোট এমনি স্ট্রেট থিব, যে ইউ এ এন ডি আই জোয়ান্ডি ফুকা না, এফ ইউ সি এ, হ্যাঁ জোয়ান্ডি ফুকা। তো জোয়ান্ডি ফুকা স্ট্রেট এটি গোটে অছে না, মু তোমাকে এই ছোটটা আপন তো সব পড়াও না, সব ছোট স্ট্রেট পড়াও না, এটা কেন কহিলে এতে জোয়ান্ডি ফুকা গোটে প্লেট অছে, আর এথর প্লেট পচা হইলা ওপি এস ওরে প্লেট উপরে গোটে কোশ্চিন থিলা, ये ज्वांडी फुका गोटे प्लेट है ना, मैपिंग रे केते क्वेश्चन सॉल्व हो छि देखो ए सोरो बुझ बुझो ना, ये ज्वांडी फुका गोटे प्लेट, प्लेट कहले कोनो, प्लेट कहले फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ क्रस्ट, फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ क्रस्ट, तुम पुनी पचारो सर क्रस्ट कोनो बुझ बुझो नी, क्रस्ट कोनो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, ताकु जदी हमें भांगी देबा भाबो गोटे हांडी गोल हांडीटा पूरा सेटा को अर्थ भाबो, ताकु भांगी दियो ছোট ছোট পার্ট অফ ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যাব, দে আর দ্য প্লেট না বুঝা পড়বনি, তো ফ্র্যাগমেন্টেড পার্ট অফ দ্য ক্রস ইজ প্লেট, নম্বর অফ প্লেট আউট দেয়ার, সে পচারিলা প্লেট বাউন্ডারিজ, সেই তো মুখ কৌছি 85 মোর দেন 85 কোশ্চেন আসলা খালি খালি মু কৌনি বুঝিপারছ না, তো এই তো কৌছি কেন সেমি সিস্টেমেটিক পড়া হুয়ে তাহলে মিস হওয়ার চান্সেস নাই, মানে বহুত কম, যদি তুমি কভর করবে না পুরো মু পড়াইবার কোণ অছি, মু তো কভর করিবি है ना, ये तुमको एतिक में कवर कर देले पूरा ओके। तो ए जगह रे देखिते हॉर्सन बे है ना, ये हॉर्सन बे अछि, एठी हॉर्सन स्ट्रेट अछि कना को कनेक्ट करू छी, दीटा लार्ज वटी को कनेक्ट करू गोटे स्ट्रेट, हॉर्सन बे हॉर्सन स्ट्रेट बुझ बुझ ना, कनाडा रे आसी गेले डन, व्हाट पूरा पेरिफेरी कवर कर देले, आई थ्रू प्राय क्वेश्चन आसु छी, तुम देखो गोटे दिन वाटर पेरिफेरी देखले, एबे हमें नॉर्थ अमेरिका रे वाटर पेरिफेरी में देख देले पूरा पेज टा को कर दउ छी, नहीं कि दरका नहीं हो पेरिफेरी तो देखि देले हो कोन है ना, द नेक्स्ट मैप ये देखो तुम्हें केबे लार्जर मैप रे देखिबो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, बीफोर्ड सी, एटी कौन थी लाता मरो? नहीं नहीं एटा ता, एटा कौन? चुचकीप सी, हेयर इज द हर्सन बे, लैब्राडोर सी, एटा रा डेविस स्ट्रेट, वेफिन बे, एटे हमें देख ले, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, देन एटे आछ को कौन? सेसापीक बे, एटे बे ऑफ फंडी, एटे देख ले ग्रैंड बैंक, हेयर इज फ्लोरिडा स्ट्रेट, हेयर इज यूकाटन स्ट्रेट, कैरिबियन सी, एंटलीस, गल्फ ऑफ मेक्सिको बुझ पड़ सकते, एवं आम देखा लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तले वाटर बॉडी देखुचे, वाटर बॉडी ओशन देखिले, सी देखिले, स्ट्रेट देखिले, करंट देखिले, एवं आम लेक्स को आसवा, लेक्स रे कौन पढ़ा होम्स, होम्स कहले कौन, एच फॉर हुरन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन, E for Erie, S for Superior, है ना? Holmes, the Great Five Lakes of North America, the Great Five Lakes of North America, हो जी मु, पहले लिखा Great Five Lakes of North America, the Great Five Lakes of North America, कौन कह लिया ये ठीक कौन कर रहा जी वो अंडो करी भी क्या मिलती? ठीक है? ওকে ফাইন এরাম এটি দেখ দাও, হোমস দ্য গ্রেট ফাইভ লেগস অফ নর্থ আমেরিকা কোয়াজে হোমস, এইচ ফর হুরন, দেখো এক মিনিট এটি লেখা আছে হুরন, এইচ ইউ আর ও এন, দেন এরি, ই আর আই ই, এরি, ওন্টারিও, মিশিগান, সুপেরিয়র, পাঁচটা লেখ হয়ে গেল, সুপেরিয়র এটা লিখেছে না, সুপেরিয়র, মিশিগান, হুরন, এরি, ওন্টারিও,
फाइव लेग्स है गला, दिस आर द ग्रेट फाइव लेग्स ना, देखा जाओ देखा जाओ नहीं ई स्टैंड्स फॉर एरी ई आर आई ई एरी है ना एठी लिख दिया এটা তুমি এই ঠিক দেখেছি লেখা হচ্ছে পে সুপেরিয়র এস ইউ পি ই আর আই হ্যাঁ না ও আর সুপেরিয়র মিসিগান এম আই সি এইচ এ জি এ এন মিসিগান হুরান এইচ ইউ আর ও এন এরি ই আর আই ই দেন ওন্টারিও দেখিছো হ্যাঁ এমানকু কোয়া যায় গ্রেট ফাইভ লেগস অফ নর্থ আমেরিকা অনিয়ার হবে নি এইটা S U P E R I O R superior Michigan M I C H A Missy sorry मुखर दो छन Missy Gun C H I Huron Huron R E R I E Ontario आ रही वो ओंटारियो वन टू थ्री आओ की बाकी रह गया सुपीरियर सुपीरियर ये पांच टाको को आज ग्रेट फाइव लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आंको भीतर सब उठ बड़ा है ला सुपीरियर एंड आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक also the world's largest fresh water lake in terms of surface area surface area anusare dekhi dilo first likhi dilo in terms of surface area re superior hochi world's largest aw eta pochare na e question superior then michigan hochi completely within usa completely within usa e pura usa under re ase baki guda 50-50 share karanti both canada and usa khali michigan ta completely under USA बाकी वाला 50-50 वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वर्ल्ड फ्रेश वाटर है ना फ्रेश वाटर लेक सब उठो दुनिया रे ये बड़ा सरफेस एरिया रे हुरन आपको कहा जाए लेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड आपको कहा जाए लेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड हुरन को कहा जाए है ना लेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड हो जी हुरन देन आस पर तुम्हारे एरी एंड ओंटारियो है ना ये दी जनों का मौजूद हो चुकी है नाइग्रा फॉल दी जनों का मौजूद कौन होती है नाइग्रा फॉल है ना एरी और ओंटारियो जो नहीं फिर दी जनों का मौजूद हो चुकी नाइग्रा फॉल तो सुनी थो समझते लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड तो सेटा तो यही थी हो चुकी ना से तो हम पहुंच रहे हुरॉन एरी ओंटारियो एरी एमती पचारी बनी कि तो एटा कि एरी एंड ओंटारियो मझिरे आसुची बुझि पर्छ नै तो पछि नॉर्थ अमेरिका से कोठी आसुची पूरा मझिरे तो बुझि पर्छ एटा थाले तम रहइबो नाइग्रा फॉल थाले फॉल कोन पे नाइग्रा रिवर जको बिकॉज़ ऑफ नाइग्रा रिवर भी अछि गोटे तो फॉल अर्थ कोन गोटे रिवर टाइम ते जाउची फॉल करूची तो तुम्ही वाटरफॉल हबो तो नाइग्रा के तो गोटे फॉल करइबो दैट इज द नाइग्रा रिवर इटसेल्फ बुझि पर्छ नै तो ये कहा का भितरे एरी एंड ओंटारियो भितरे देन एठु भारी छि के सेंट लॉरेंस रिवर एठी रहबो कोन सेंट लॉरेंस रिवर एठी असी पढु छि सेंट लॉरेंस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हे गेला एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका सेंट लॉरेंस रिवर तो ये जाई के कोठी पडिवो सेंट लॉरेंस रिवर कोठी पडिवो सेंट लॉरेंस एठे देख बे ऑफ फंडी हम डिस्कस करथिले ना बे ऑफ फंडी अछि
এটা তো নিউফাউন্ডল্যান্ড হয়ে গেলা পুরা এ রিজন হয়ে গেলা লেক হয়ে গেলা তো লেক পাঁচটা দেখলে আউ পাঁচটা লেক দেখিবা হ্যাঁ না আউ দেখিবা পাঁচটা ছটা লেক তাহলে ইয়ে হয়েছিল না হোমস র বুঝিপার কিন্তু সে তোমাকে পচারিব নর্থ রু সাউথ সাউথ ওয়েস্ট রু এমনি পচারিব বট হোমস অনুসারে মনে রাখবনি প্রথমে কি সুপেরিয়র মিসিগান তারপরে হুরন তারপরে এরি তারপরে ওন্টারিও এমনি সে তোমাকে পচারিব আরেঞ্জ দেম ফ্রম দ্য ওয়েস্ট টু ইস্ট বুঝবো না এমনি সে তোমাকে পচারিব তেমন তাকে ধ্যানসে ম্যাপ সেপাই মু কৌছি ম্যাপ ভালসে দেখব এ হচ্ছে থার্ড লার্জ হুরন হচ্ছে তোমার সেকেন্ড লার্জেস্ট না এটা এরিয়া অনুসারে এ সেকেন্ড ইয়ে হচ্ছে থার্ড লার্জেস্ট হুরন বহুত আইল্যান্ড দেখা যায় এক্সাক্টলি সেমতি পচারি পরে ইস্ট টু ওয়েস্ট নহলে ওয়েস্ট টু কেমতি নহলে এরিয়া ওয়াইজ পচারিব নহলে লার্জেস্ট কিয়ে পচারিব নহলে নাইগ্রা ফল পচারিব আউ কিয়ে নহলে পচারিব এ পাঁচটা ভিতর কিয়ে পুরা ইউএস অন্ডারে আসুচি মিশিগান আ বাহারে কোশ্চিন হেই পারিবনি ইদার দে উইল আস্ক ইউ গ্রেড ফাইভ লেগস আরেঞ্জ কর নর্থ রু সরি ওয়েস্ট টু ইস্ট কু নহলে ইস্ট টু ওয়েস্ট কু নহলে এরিয়া ওয়াইজ নহলে কিয়ে কাহা অন্ডারে আসুচি নাইগ্রা ফল কোটি হচ্ছে কাহা ভিতর কোথ্রু বাহারুচি সেন্ট লরেন্স রিভার ওন্টারিও বাস এতিকি হি কোশ্চিন আসবো আউ কিছু হেই পারিবনি পার্ট টাইম সব যাক পড়িদেলে সিনা আমার এলিমিনেশন ভালো হব নহলে আজি মন হইলা পড়িলে নাইগ্রা ফল তারপরে পতা চলে হোমস আউট থরে পড়িবা তারপরে আউট থরে তাকু সজেইকি পড়িবা তো এমতি গলে হব না আট টাইম পড়িব এ পুরা লেক হই গলা আউ গটে লেক দেখিবা দ্য গ্রেট সল্ট লেক হ্যাঁ দ্য গ্রেট সল্ট লেক অফ ইউএসএ এটা হলা গ্রেট সল্ট লেক হ্যাঁ গ্রেট সল্ট লেক এক মিনিট এইটি এইটি গ্রেট সল্ট লেক নট দিস গ্রেট সল্ট লেক এটা মাউন্টেন পিকটা মতে দেখা গেল স্নোটা তো মতে লেক ভালো দেখা গেল এতে দিস ওয়ান ইজ দ্য গ্রেট সল্ট লেক এটা লিখাইছে না গ্রেট সল্ট লেক হ্যাঁ তো কই আর সালিনিটি কেতে সালিনিটি 220 পিপিটি 220 পিপিটি তাহলে পার্টস পার থাউজেন্ড পার্টিকলস বুঝিপারছ মানে পার থাউজেন্ড পার্টিকলস রে কেতে পার্টিকলস হচ্ছে সল্ট ওয়াটার থাউজেন্ড গ্রামস রে কেতে গ্রাম র আর যদি সিম্পল মু কই প্রত্যেক থাউজেন্ড গ্রাম রে কেতে গ্রাম র সল্ট হচ্ছে ওয়াটার সেতবে ওয়াটার কো থোড়া পিপিটি রে লেখা যায় পার্টিকলস পার থাউজেন্ড তাহলে এতিকি দেখা যায় হ্যাঁ না প্রত্যেক থাউজেন্ড গ্রামস রে বুঝিপারছ না তো এটা গ্রেট সল্ট লেক কই পুরা নর্থ আমেরিকা র সল্টিয়েস্ট লেক বুঝিপারছ না ইয়ে গলা তাহলে কেতেটা হলা ছটা লেক ছটা হয়ে গেলা আর পাঁচটা আমি দেখিবা আর পাঁচটা ভাব কিছু কিছু বিয়ার মানে কিছু স্লেপ কিছু স্লেপ কিছু বিয়ার এমানে মিশিকি কিছু ডিয়ার কিছু স্লেপ কানাডা তো জানছো তুমি নর্থ আমেরিকার স্লেপ চলে না স্লেপ আর কানাডার বিয়ার রহব পোলার বিয়ার স্লেপ মানে সে ট্রেড করুনলে আনসিন টাইম রে স্লেপস ওয়ার ট্রেডেড আফ্রিকার নেই যাওয়া বিকুলে সে কাম করুলে এ হলে না মানতে থিব তো স্লেপ হয়ে গেলা বিয়ার হয়ে গেলা আর কিছু ডিয়ার বি থিব বিয়ার অছে ডিয়ার রহব ফুড চেন মেনটেন করিব হ্যাঁ এ তো ডিয়ার বি রহলা আচ্ছা এমানে অছে মানে তো হিউম্যান রহব না বুঝিপারছ না তো তাহলে কোন কিছু স্লেপ কিছু বিয়ার আর কিছু ডিয়ার এমানকু গোটে কাম দিয়া হইছিলা কোন কাম দিয়েছিলা কি অট্টা বস্তা কু নেইকি আসিব কানাডার নর্দার্ন পার্ট রু বুঝিপারছ না তো সেমানে ধরিকি আসিলে এন্ড ফাইনালি দে উইন ইট তাহলে তোমাকে অট্টা বস্তা কোন আথাবাসকার হলা আর শেষরে সেমানে দে উইন হয়ে গেলে তো উইনিপেক এবে আমি কানেক্ট করিবা তাহলে মু কইলি গ্রেট স্লেপ মতলব এতে খালি গ্রেট লগাইব গ্রেট স্লেপ গ্রেট বিয়ার রেন ডিয়ার খালি ডিয়ার জায়গায় রেন ডিয়ার লাগিব তবে দেখো ম্যাচ করুছি কি নাই গ্রেট স্লেপ গ্রেট বিয়ার আথাবাসকার রেন ডিয়ার গড়ে গেল উইনিপেক ওয়ের ইজ ডিয়ার গ্রেট স্লেপ গ্রেট বিয়ার আথাবাসকার রেন ডিয়ার কাহা গায়ে এটি থিব এটি কোটি থিব এটি থিব রেন ডিয়ার এটি হচ্ছে রেন ডিয়ার এইটি আর ই আই এন জি ডিই এ আর রেন ডিয়ার সবু জায়গায় মিলুছি না মুখ করিবি আচ্ছা মুখ বনাইবি না যেটা মিললা সেটা দেখিলি তো বুঝিপারছ না তাহলে ইয়ে ফাইভ লেগ হলে এমানকে কয়েছে দ্য গ্রেট ফাইভ লেগস অফ কানাডা
ये है तुम नर्थ आमेरिकार ये है ग्रेट फाइव लेक्स अफ कानाडा मुझे कह कहली जमी कौन से मन रख कि स्लेव किसी बियर किसी डीयर इनको टास्क दिखाला अटावस्था नहीं आसब फाइनाली द विन दैट मीनस विनिपेक अटावस्था नुह आथावास्कर देखीद ओपीएससी पचार यूपीएससी पचार आथावास्कर ट्वाइस कौन पर जहाँ ये टार मिले ऑयल बुझिपार ये जो लेक सब फेमस लेक ये ऑयल मिले गैस मिले ना यूरानियम मिले से गुड़ा इंपोर्टेंट बुझ ऑल आर द ग्लेशियल लेक ये सब कमी फॉर्मेशन है तुम्हें कह ग्लेशियल लेक ग्लेशियर मेल्ट ही लेक सब फॉर्मेशन है जो तुमको पचार कानाडा कहीं लेक देखा जाए बिकज अफ मोर नंबर अफ ग्लेशियर जिते ग्लेशियर मेल्ट होते कौन हो लेक फॉर्मेशन हम बुझिपार्स मैंने तो नंबर अफ लेक से अधिक देखा जाए बुझिपार्स ताल पाँच पाँच दस एक एगारटा लेक के आराम से मन रही किसी तो टेनसन ना डन खत्म व्हाट कौटा पाँचटा विनिपेग बा डब्ल्यू आई डबल एन आई पीई जी हाँ रेन डियर आर ई आई एन जी रेन रेन जो आर ई आई एन जी रेन तापर डियर डी ए आर रेन डियर आथाबास्कर ए टी एच ए बी एस सी ए आर आथाबास्कर बस का लिखा है जी आथाबास्कर जहाँ चल रही है किसी ने एते डोंट वरी आथाबास्कर ये सब है गला तुम खत्म विनिपेक पी जी डब्ल्यू आई डबल एन आई पीई जी विनिपेक है ना ये लेक रु गोटे क्वेश्चन आसो इधर तुमको लार्जेस्ट पचार नलेक्स पचार ये बुझिपार्स के वाटर पटे देखी थे लेक आंक भितर लार्जेस्ट पचार ना ग्रेट बियर वुड बी द लार्जेस्ट है ना ग्रेट बियर आंक भितर लार्जेस्ट पचार ना डोंट वरी लेक्स खत्म कोटा कहला ना आवरी अच्छे ना रिवर देखानी वाटर बॉडी आसे नहीं एमती आसे प्रेस करदे आसु ही नहीं गोटे तो एमती प्रेस कर रखिले आसी जाए सीटा हाँ सीटा ये पीपीटी रे आसुनी बोथे भले सेटा यूज करले डायरेक्ट आसी जाय हां सेटा ताको हो गेल सेटा आसी जाय द पीपीटी रे तापर आई एम आल्सो नॉट अक्वेंटेड ग्रेजुअली आई विल बी सो लेक्स खत्म हो गेला सॉरी लेक्स खत्म है ना नाउ कम्स टू द रिवर एबे देख ए एसरे पुणी प्रूफ करिवे एबे रिवर एथर पचार थला गोटिए के बार्ड फुट डेल्टा को रिवर देखा दे आ ए एसरे आस्तला ना एबे देख केते इजीली हियर इज द आंसर केते इजी देख मु खाली खाली क्वेरी 85 क्वेश्चन आस्तला मोर प्रूफ विथ प्रूफ दिए आ ये सब पढ़ाई छी आज फर्स्ट टाइम पढ़ाउनी देखियो मो पुराना पिलांग पढ़ेबो जो माने पढ़ी जंती 85 क्वेश्चन डायरेक्ट आ बुझिपार्जन एम तो 20-30 कहीकि हो हल्ला करूँ आमर 25 क्वेश्चन बुझे ना मतलब ओनली मार्केटिंग 25 क्वेश्चन कौन है ना बुझिपार्स ना हियर इज द बार्ड फुट डेल्टा बुझिपार्स ना यार सेप देखुचो कि नहीं बार्ड बार्ड रुट कमी थे मझी आंगुठीटा टी बाहरिकी रहा दीटा आंगुठी टी छोट कुकुड़ा देखुचो ना बुझिपार्स ना एमती थाए तो मझीटा टी रो तो कह बार्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी डेल्टा को भी हमें कहो मिसिसिपी डेल्टा तो ये रीजन को तुम्हें देखिए ये सेप को देखो बर्डफुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर बुझ पड़ता नहीं कितने इजी क्वेश्चन तो किसी डिफिकल्ट नहीं बुझ पड़ता नहीं गल्फ ऑफ मेक्सिको एवं नेक्स्ट टाइम से तुम पचार कौटी अच्छी गल्फ ऑफ मेक्सिको नेक्स्ट टाइम एमती पचार पड़ना सेम टाक से पचार तो गल्फ ऑफ मेक्सिको रे को डेल्टा देखा जाए मुझे बुले कि आउट पचार देवि पुणी पिला भूल करेंगे बुझिपार्स कि नहीं पुणी भूल हम तो बार्ड फुट डेल्टा तो बार्ड फुट डेल्टा केमी फर्मेसन हुए डिफरेन्ट एवं मुझे कहूँ आपको देख यह मिसिसिपी मिसिसिपी कौटे आसूस ना एमती आसिक पूरा आम कह गल्फ ऑफ मेक्सिको को आसा गल्फ ऑफ मेक्सिको तुम पढ़ी सारी तार ट्रिब्यूटरी थी तार ट्रिब्यूटरी ना ट्रिब्यूटरी किए
Missouri, Arkansas, red, yellow taro, left bank. Thali, no, sorry, right. Eppota kono taro? Right. Eppota rebe taro? Left. Left ki ye? Ohio, Tennessee. Thali total hela taro? 5 tributary. Thali ekko kemti man rakhibo ami? Thali Mississippi. Miss sokalu uthi kono koranti? Na sobole amaro Indian civilization matlab custom re koranti sokalu uthi ki mane tulasi gachre pani deba. Daku amku ork. ହେନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ମିସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ମତଲବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାଜୋସ୍ ବ୍ରାଭୋ ବ୍ରାଭୋର ମିନିଂ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ ତାକୁ ଆମକୁ ବ୍ରାଭୋ ତାହେଲେ ମିସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ ମିସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆର୍କ ଦିଅନ୍ତି ଆର୍କାଂସାସ୍ ଆର୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥାଏ ସିନ୍ଦୁର ରେଡ୍ କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଠି ଅଛି ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଠି ଲେଖା ନାହିଁ ବ୍ରାଜୋସ୍ ବସ୍ ହେଇଗଲା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମିସିସ୍ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମିସୋରି ଆର୍କାଂସାସ୍ ରେଡ୍ ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମିସିସିପି ବା ଏଇଟା ମେନ୍ ରିଭର ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆରାମସେ ଚାରିଟା ବଟ୍ ଏଠି ଅଛି ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଇଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ନୁହଁ ଇଏ କେଉଁଠି ମିଟ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ ଇଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫଲ କରୁଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତାହେଲେ ଇଏ ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ କାହା କାହାର ବର୍ଡରରେ ଅଛି ମେକ୍ସିକୋ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ମତଲବ ୟୁଏସ୍ଏ ଧ୍ୟାନ ସେମାନେ କହିବ ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ହେଉଛି ବର୍ଡର ବିଟୁଇନ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ସିକୋ ବର୍ଡରରେ ପୁରା ପୁରା ବର୍ଡରରେ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଆଗେନ୍ ଇରେଜ୍ ଇରେଜ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ରିଭର୍ ଆସିଯିବ ଇଜି ଆସୁଛି ଓପିଏସ୍ସିରେ ଇଜି ଆସିବ ତୁମେ କାହିଁ ୟୁ ପି ଏସ୍ ସି ବି ତମେ ଏତିକି ମ୍ୟାପିଂ କର ୟୁ ପି ଏସ୍ ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କହିବ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମତଲବ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲସେ କରେଇ ଦେଉଛି ମ୍ୟାପିଂ ପୁରା ତମେ ନ କରିପାରିଲେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବନି ଯେତିକି କରଉଛେ ନା ମୋର ଦେନ୍ ଏନା ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଏତେ ମୋର ଦେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଯଦି ୟୁ ପି ଏସ୍ ସି ଟାଇପ୍ର କରାହେଉଛି ତମେ ୟୁ ପି ଏସ୍ ସିର ମ୍ୟାପିଂ ଯାଇକି ଦେଖୁନ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ୟୁ ପି ଏସ୍ ସି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ ସତରେ ଏତିକି ପଢ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଦରକାର ରିଭିଜନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରିଭିଜନ୍ ନହେଲେ ମନେ ରହିବନି ଇଏ ଇଏ ୱାନ୍ ଡେ କାମ ନୁହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ବହୁତ ମନେ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଇଟା 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 ଯେଉଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ହେ ନା ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଠି ଦେଖାଯିବ ଏପଟେ ଆସିବ ଓହିଓ ଟେନେସି ଏ ଦୁଇଟା ରିଭର୍ ସେ କହୁଛି ଓହିଓ ମତଲବ କ'ଣ କରୁଛ ହେଲେ ମୁଁ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମିସ୍ ପଚାରୁଛେ କ'ଣ କରୁଛ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ତ ଆରେ କିଛି ବି ଟ୍ରିକ୍ ବାହାର କରି ନିଜକୁ ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା ତମ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିକ୍ ବନେଇବ ଯେଉଁଟା କିଛି ନାହିଁ ତ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବନାଉନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କରେ ମୋ ନିଜ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା କମ୍ଫର୍ଟ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛନି ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ରିଭର୍ ଖତମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର୍ ଏଇଠି ଦେଖିଛେ ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାହେଲେ କେତେଟା ରିଭର୍ ହେଇଗଲା 3, 2, 5, 3, 3, 6, 7 ରିଭର୍ ହେଇଗଲା ଏଠି ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଡର କାନାଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଦେଖିଲେ ଏପଟକୁ ଆସିବା ଆମେ ୟର୍ସି ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏବେ କହିଥିଲି ନା ବ୍ରାଜୋସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ମ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ ବ୍ରାଜୋସ୍ ହେ ନା ଇଏ ତମର ରିଭର୍ ଦେଖିଥା ମିସିସିପି ରିଭର୍ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ ରିଭର୍ ହେଇଗଲା ରିଭର୍ ଏପଟକୁ ଆସିବା କଲୋରାଡୋ ରିଭର୍ ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଦେଖ ପୁରା ବର୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି ମେକ୍ସିକୋ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏ ବର୍ଡର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ମତଲବ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏମାନେ ମେକ୍ସିକୋରୁ ୟୁଏସ୍ଏକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ସେଇ ରିଭର୍ରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ 3-4 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ କହୁଛି କଲୋରାଡୋ ରିଭର୍ କଲମ୍ବିଆ ରିଭର୍
ଆଗେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଗେ ପଢ଼ାଇ ସାରେ ତାପରେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। କଲୋରାଡୋ ରିଭର ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍, ନା ତ ଶୁଣିଥିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ୟାନିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ୟାନିୟନ୍, ନା ଶୁଣିନ? ଏଠି ଲେଖା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍। CANYON ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍। କହିବ କ୍ୟାନିୟନ୍ କ'ଣ? କ୍ୟାନିୟନ୍ ହେଲା, ଭାବ ଦୁଇଟା ବେଞ୍ଚକୁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗାଢା ପୁରା। ଭାବ ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ରିଭର ସେଇ ତଳେ ଯାଉଛି, ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ତଳେ ଦେଖୁଛ, ରିଭର ଯାଉଛ। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାନିୟନ୍। ନା ବୁଝାପଡ଼ୁନି? ରିଭର ତଳେ ଯାଉଛି, ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ସର୍ଫେସ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଦେ ଆର୍ ମୁଭିଂ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ପୁରା ତଳେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାନିୟନ୍। ଯେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ପଢ଼େଇବି ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ପଢ଼େଇବି, ଏବେ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଉ। ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ୟାନିୟନ୍, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍, ହେ ନା? ଏ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ? କଲୋରାଡୋ ରିଭର ଉପରେ। ଏଇଟା ପଚାରେ କି କେଉଁ ରିଭରରେ ଦେଖାଯିବ? କଲୋରାଡୋ ରିଭର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍ କେଉଁ ରିଭରରେ ଦେଖାଯିବ? କଲୋରାଡୋ ରିଭର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍, ହେ ନା? ଦୁନିଆର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ୟାନିୟନ୍। ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାଆନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଦେଖିପାରିବ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ରିଜନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବ କଲମ୍ବିଆ, ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍, ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍, କଲମ୍ବିଆର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍ ରିଭର, ହେ ନା? ହେଇଯିବ, ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଏଇଠି ପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିଭର ଫ୍ରେଜର, ଫ୍ରେଜର। ତାହେଲେ କଲମ୍ବିଆ ସ୍ନେକ୍, କଲମ୍ବିଆର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍, କଲୋରାଡୋ ଉପରେ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍। ଏ ପଚାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍ କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ, ନହେଲେ ପଚାରିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍ କେଉଁଠି, ପ୍ଲସ୍ କଲୋରାଡୋ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି? ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେକ୍ସିକୋକୁ ଯାଉଛି, ସରି କାଲିଫର୍ନିଆ, ସରି ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? କାଲିଫର୍ନିଆ ପେନିନ୍ସୁଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? କାଲିଫର୍ନିଆ ପେନିନ୍ସୁଲା। ପେନିନ୍ସୁଲା କହିଲେ କ'ଣ? ତିନିପଟି ୱାଟର, ଇଏ କାଲିଫର୍ନିଆ ପେନିନ୍ସୁଲା, ହେ ନା? କଲୋରାଡୋ ରିଭର ଉପରେ କିଏ ଅଛି? ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ୍। କେଉଁଠିକି ଆସୁଛି? ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ, ହେ ନା? ଦେନ୍ ଏପଟେ ରହିଲା ତୁମର କଲମ୍ବିଆ, ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ସ୍ନେକ୍, ଫ୍ରେଜର ରିଭର ଏପଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିଭର, ସବୁ ରିଭର ଦେଖିଦେବା। ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର ୟୁକନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି, ଏରିସ୍ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି। ଏବେ ମଙ୍କି କହୁଛି ୟୁକନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ମତଲବ ମଙ୍କି କହୁଛି ୟୁକନ୍, ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ଆଣ୍ଡ ୟୁକନ୍। ୟୁକନ୍ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଦେଖ ତୁମେ? ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ଆମର ବେରିଙ୍ଗ ସିକି ଆସୁଛି ୟୁକନ୍, ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗଲ୍ଫଟା ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ୟୁକାଟାନ୍ ପେନିନ୍ସୁଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ଅଛି ୟୁ, ଏଇଟା କାନାଇ ପେନିନ୍ସୁଲା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ କାନାଇନ୍ ପେନିନ୍ସୁଲା, କାନାଇ ପେନିନ୍ସୁଲା। ଏଠି ବହୁତ ତୁମକୁ ପୋଲାର ବିୟର ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ କାଟମାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏଠି ଅଛି, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର, କାଟମାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ, ମାନେ ଫ୍ଲୋରାଫୋନା ଉପରେ, ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖେ ସେଇଥିରେ କାଟମାଇ ପେନିନ୍ସୁଲା, ଏଇଟା ଅଛି କାଟମାଇ ପେନିନ୍ସୁଲା। ତ ଏକ ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଦେଖିବେ ମୋ ମ୍ୟାପ୍ଟା, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଏରିଆଟା, ଏଇଟା ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବେ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବେ। ଏ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବେକୁ ଯାଉଛି ତମର ୟୁକନ୍ ରିଭର, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବେ, ହେ ନା? ମାନେ ଟିକେ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେତିକି ମନେ ରହିବ ରହିବ, କ'ଣ ଅଛି? ରିଭିଜନ୍ କରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବେକୁ ଯାଉଛି ୟୁ, ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ଯାଉଛି କେଉଁଠି? ବିଫୋର୍ ସିକୁ, ଏପଟେ ହେଲା ବ୍ରିଷ୍ଟଲ, ସେପଟେ ହେଲା ବିଫୋର୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବିଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ଇମାଜିନ୍ କରିବ, ଯେମିତିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ନହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା? ଯେତେ ଦେଖିବ ମ୍ୟାପ୍ ସେତେ ଅଧିକ ମନେ ରହିବ। ରିଭର ଖତମ, ହେ ନା? ଲେକ୍ସ ଖତମ ହେଇଗଲା, ରିଭର ଖତମ ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ଖତମ ହେଇଗଲା, ପୁରା ୱାଟର ବଡି, ହେ ନା? ବାକି ରହିଲା ତମର କ'ଣ? ଆମେ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ୱିଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅଛି ନର୍ଥ ଆମେରିକାର। ଆଜି ଏଇଠି ମୋତେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଦର୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ହେ ନା? ଡିସ୍ମିସ୍ ହେ ନା ଫଟୋଟି? ୱାର୍ଲ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣିବ,